हाँ जी, जय भोले बाबा जी की। हाँ जय भोले बाबा जी की। सर जी सर श्री अमरनाथ जी यात्रा यूट्यूब चैनल पर काफी सारे भक्तों की यात्रा की डेट, मेडिकल और रजिस्ट्रेशन को लेकर ना काफी सवाल आ रहे हैं, तो अच्छा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन वहाँ पे भी आ रहे हैं और मेरे पास व्हाट्सएप पे भी काफी मैसेज आ रहे हैं, कॉल भी काफी आ रहे हैं, तो कुछ तो कॉल में उठा पा रहा हूँ, कुछ नहीं उठा पा रहा हूँ। तो मैं इस वीडियो में ना अभी तक की, मतलब जो 4 या 5 साल, 4 तारीख है, 4 तारीख की जितनी भी संपूर्ण जानकारी होगी ना आपको वो दे रहा हूँ। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो पूरी कंप्लीट वीडियो सुन लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि बार बार फोन करके और ये फायदा नहीं है। कोशिश किया करूंगा मैं कि 1 दिन में 2 दिन में अपडेट डाल दिया करूंगा, जैसे ठीक है आपको ठीक बता दिया करूंगा कि नया क्या हुआ है, पुराना क्या हुआ है, तो नया कुछ होगा तो डाल दिया करूंगा। तो कॉल उठा नहीं पा रहा हूँ कंटिन्यू, अभी देखो अभी भी कॉल आ रहे हैं, इतने कॉल उठाना बड़ा मुश्किल है और बैटरी 11% बची है, तो रिकॉर्डिंग बनाने में ज्यादा फायदा है। दूसरा क्या, जो नए भक्त हैं जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक डाल देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप ठीक है का, जी। तो वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे तो सारी वीडियो वहां पे आती है। फिर भी किसी भक्त को ऐसा लगता है कि उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं है और उन्हें देख लिया है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, आपको वहां से जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब ठीक पहला है। पॉइंट की बात करते हैं यात्रा की डेट को लेके। तो यात्रा की डेट जो अनऑफिशियली है वो 29 जून से लेके 19 अगस्त तक है, लेकिन अभी तक श्राइन बोर्ड ने कंफर्मेशन नहीं किया है, ना श्राइन बोर्ड ने वेबसाइट पे डाला है। तो हमने हमने जय भोले बाबा जी की सेवा समिति के सभी सदस्यों ने अपनी टिकट तो करवा ली है, क्योंकि हाँ सभी जी। का इश्यू ये था कि सब लोग टिकटें बुक करा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि बाद में टिकट ना मिले, तो हमने भी टिकट बुक करा ली है। अब आप चाहते हैं तो आप भी करा सकते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है। दूसरा, मेडिकल रजिस्ट्रेशन को लेकर, तो सेम मेडिकल रजिस्ट्रेशन का भी है, मेडिकल रजिस्ट्रेशन का भी अभी तक कोई अपडेट नहीं है ऐसा कि यात्रा कब से शुरू होगी, मेडिकल कब से शुरू होंगे, रजिस्ट्रेशन कब से होंगे, कोई अपडेट नहीं है। तो इसके लिए आप वेट ही करें, हम भी वेट ही कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है कि इलेक्शन का कुछ बता रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन कुछ होने वाले हैं, जिसके चलते श्राइन बोर्ड अभी वेट कर रहा है यात्रा को आगे किया जाए पीछा किया जाए, लेकिन कन्फर्मेशन न्यूज नहीं है। सुनी सुनाई बातें जो मैं पूरा दिन सुनता हूँ ना, दुनिया भर की बातें वो है, और जो आप मुझे फोन करके समझाते हैं कि हाँ भैया ऐसा हो रहा है, तो मैं सभी को बता रहा हूँ कि अभी जो माहौल चल रहा है वो ऐसा माहौल चल रहा है डेट को लेके। ठीक है, इसके बाद आता है कि जो मेडिकल फॉर्म व्हाट्सएप पे बहुत सारे भक्त शेयर कर रहे हैं वही करवा लें क्या? अगर आपके एरिया में मेडिकल होने स्टार्ट हो गए हैं, पहली बात तो मेडिकल होंगे कैसे, जो डॉक्टर होगा उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आई होगी कि आपको मेडिकल करना है, तो मेडिकल कैसे कर सकते हैं, हाँ जी। समझ रहे मेरी बात आप? तो जब आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि मेडिकल होने हैं तो डॉक्टर कैसे कर सकता है? फिर भी काफी सारे भक्तों का कॉल आ रहा है कि हमारे यहाँ जी मेडिकल हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो करवा लो जी। अब उसमें नुकसान क्या है? उसमें नुकसान ये है कि हो सकता है श्राइन बोर्ड जब डेट दे तो श्राइन बोर्ड ये कहे कि, एग्जाम्पल कह रहा हूँ, श्राइन बोर्ड ने 10 तारीख को मतलब डेट दे दी कि मेडिकल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दो, और जिसका भी 10 तारीख के बाद का मेडिकल होगा वही मान्य होगा, और आपका मेडिकल अगर पहले होगा तो फिर आपका मान्य नहीं होगा, तो आपको दोबारा जाना पड़ेगा, सिंपल। हाँ जी। और रजिस्ट्रेशन तो कहीं नहीं हो रहे, ना बैंक में हो रहे ना ऑनलाइन हो रहे हैं। तो मेडिकल के लिए काफी क्वेश्चन आ रहे थे कि पुराना फॉर्म भर लें, तो फॉर्म भरने में मुश्किल से 5-10 मिनट लगते हैं, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, हो सकता है मेडिकल फॉर्म कुछ चेंज हो, कुछ गाइडलाइन चेंज हो, या जब श्राइन बोर्ड का आएगा जब ही हो पाएगा, लेकिन अगर आपके एरिया में हो रहा है तो आप करवा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 3-4 जो बेसिक क्वेश्चन है सबसे ज्यादा आ रहे थे। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है जो यूट्यूब पे आपने देखा हो? बाकी ये ट्रांसपोर्टेशन का नंबर वगैरह और ये सब हाँ, चीजें। ट्रांसपोर्टेशन का नंबर तो जो ही है कि उन्होंने मना कर दिया ट्रांसपोर्टेशन वाले भैया ने भी, क्योंकि कंटिन्यू कॉल करेंगे अभी से, डेट फाइनल नहीं हुई है, सिर्फ आइडिया लेंगे तो फायदा क्या है, आप अपने मेडिकल करा लें, रजिस्ट्रेशन करा लें, डेट फाइनल हो जाएंगी, उसके बाद सामने वाले ट्रांसपोर्टर से बात करके कि इतनी 3 तारीख को हमें गाड़ी चाहिए, तो बाद में हम अब तक हमने बसें बुक नहीं की हैं ना। तो मेरा सिंपल ये है कि फोन करने पे जब आप क्या करते हैं, यात्री फटाफट नंबर देखते हैं, फोन कर देते हैं और सेम क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें टाइम भी वेस्ट होता है और दिक्कत भी होती है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चन है ना तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो जो हमारे मतलब बाबा जी कॉल सेंटर वाले बंदे हैं वो आपको अपना नंबर दे देंगे, उनसे आप बात कर लें अगर कोई ऐसा टॉपिक है। लेकिन सिर्फ आपको यही पूछना है कब आएंगे, कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो इसका जवाब तो ये बातें करने वाली है, जितनी मर्जी लंबी बात कर लो इस टॉपिक पे, तो उस पर कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, तो मेरा आप एक तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक डाल देना, व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है, ताकि यात्री वहां से ज्वाइन हो जाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाए और किसी टूर पैकेज या किसी और बातों में ना आए, क्योंकि श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे क्लियर होगा उसके बाद ही फाइनल होगा, उससे पहले कुछ फाइनल नहीं होगा। ठीक है जी, ठीक है जी। तो अभी तक का संपूर्ण अपडेट ये है, कोशिश करूंगा मैं रोज एक अपडेट ऐसा ही बना दिया करूंगा, इसी वीडियो को डाल दिया करेंगे जब तक कुछ चेंज नहीं होता है। ठीक है, ठीक है जी। तो आप इस वीडियो को फटाफट डाल देना और नीचे कमेंट बॉक्स में उसे नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल देना, ताकि सभी यात्रियों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है जी,